नमस्कार दोस्तों, और मैं आपका स्वागत करती हूँ जो आर आर ज्योति दिवाकर चैनल में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्याज शिमला मिर्च और दही की सब्जी। इसमें मैंने लिया है 2 टमाटर और 1 बाउल मटर, 2-3 शिमला मिर्च और 2 बड़े प्याज। ये दही है, इसमें 1 टेबल स्पून धनिया डालेंगे ताकि ये पहले ही इसको मिक्स करके रख देंगे, फटे ना। इसमें डालेंगे ऑयल, फ्राई करके मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में। और फिर से अब डालेंगे तेल, थोड़ा सा ही, एक तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, जीरे को तड़कने देंगे। इसमें डालेंगे 2 मिर्च, डालेंगे नमक ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अब भून गया है, इसमें डालेंगे अब हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया नहीं डालेंगे क्योंकि दही में पहले से ऐड है, और थोड़ा सा ऐड करेंगे यहाँ पर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा मसाले को भुनने देंगे। ये मसाला भुन गया है, अब इसमें हम डालेंगे धनिया मिक्स किया हुआ, दही। अब इसको मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाएंगे वरना दही फट भी सकता है। तो डालेंगे इसमें वो पानी मिक्स हो जाए। दही ये लमसम हो गया है, इसमें हम डालेंगे फ्राई किया हुआ प्याज और शिमला मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, टेपन को बैलेंस करने के लिए। अब इसको 5 मिनट ढक के पकने देंगे। आई थिंक 5 मिनट हो गया है, और ये देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार है। सब्जी बनके तैयार हो गई है, और आप पराठे पूड़ी किसी के साथ अब करिए। थैंक यू।